अगर आप बैंक के लॉकर में गहने या कोई और कीमती चीजें रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर किराए पर लेने से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नए नियमों के मुताबिक बैंकों के लिए लॉकर ऑपरेशंस का SMS और ईमेल कस्टमर्स को भेजना जरूरी होगा। नए नियमों के मुताबिक KYC के बाद गैर बैंकिंग ग्राहकों को भी बैंक लॉकर की सुविधा मिल सकेगी, लेकिन गैर बैंकिंग ग्राहकों को लॉकर सुविधा देना बैंकों पर निर्भर करेगा। बैंकों को गैर कानूनी या किसी वस्तु पर शक होने पर एक्शन लेने का अधिकार होगा। लॉकर से जुड़ा एग्रीमेंट बैंक और ग्राहकों के बीच स्टाम्प के जरिए होगा। ये सभी बदले हुए नियम 1 जनवरी 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या एक्ट ऑफ गॉड यानी भूकंप, बाढ़, आकाशीय बिजली या आंधी तूफान की स्थिति में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि बैंकों को अपने परिसर को इस तरह की आपदाओं से बचाने के लिए उचित इंतजाम करने की जरूरत होगी। इसके अलावा लॉकर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। निर्देश में कहा गया है कि आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक अपने दायित्व से नहीं हट सकता।